आपके बालों की शान, आपके बालों की जान, 100% नेचुरल, केटीसी हर्बल हीना पाउडर, केटीसी हर्बल हीना पाउडर। शिमला नगर निगम के कर्मचारियों को 6% डीए राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ही निगम के कर्मचारियों को डीए दिए जाना है। नियमों के तहत ये देने से पहले निगम की वित्त कमेटी व हाउस की मंजूरी के बाद ही ये कर्मचारियों को दिया जाता है। मंगलवार को वित्त कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों से लेकर अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। वहीं निगम में 1979 से लेकर 1995 तक एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। बैठक में शहर में निगम की पार्किंग में जियो के टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त कमेटी ने शर्त रखी है कि इससे शहर की सुंदरता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इससे निगम को आय मिल सकेगी। वही निगम के किराएदार या लीज धारक के साथ दस्तावेज अगली पीढ़ी से बन सकेंगे, यदि वे दस्तावेज पेश कर सके। निगम ने लंबे समय से लीज धारक के देहांत के बाद अगली पीढ़ी के नाम करार नहीं हो पा रहा था, इससे किराएदारों को परेशानी हो रही थी, साथ ही निगम को भी किराया नहीं मिल पा रहा था। अब इन्हें दस्तावेज देने के बाद इनके नाम करने का फैसला लिया है। सी और डी एफ सी की दोनों मीटिंग थी जिसमें बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं। खासकर फैसले जो है उसमें शहर की डेवलपमेंट के बारे में लिए गए हैं। तो जैसे शिमला शहर में पार्किंग की बहुत ज़रूरत है, तो हम जो है लोहे की स्ट्रक्चर की पार्किंग बन रही है, जैसे 30 लाख के करीब हम एक पार्किंग जो है इंदर नगर ढली में बना रहे हैं। और इसी तरह से हम कई एम्बुलेंस रोड बना रहे हैं, क्लिनिक में हम एक पात्र बना रहे हैं, और झाठा में एक एम्बुलेंस रोड बना रहे हैं, और इंजन घर में 25-25 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी में 2 एम्बुलेंस रोड बना रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे कर्मचारी है उनको जो 6% जो है भत्ता बनाया हुआ है, वो भी हमने आज हाउस से जो ADA 6% मिलता है रिटायरी कर्मचारी को और नगर निगम के कर्मचारी को, जो सरकार को मिलता है, वो भी हमने आज पास किया है। और जो हमारे नगर निगम में जो हमारे कर्मचारी थे जो डॉक पे लगे हुए थे, उनको रेगुलर करने के लिए भी आज हमने जो है हाउस से पास किया है। इसी तरह के सबसे ज़्यादा जो काम हुए हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हुए हैं, जैसे मतलब ज़्यादातर जो है पार्किंग के काम हमारे हुए हैं। उन सब जानों से लेकर के अभी बहुत सारे ऐसे थे जिनका भी तक जो है डॉक बेसिस पे चला था। देखो इतने सालों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दो कर्मचारियों का काम कर रहे हैं, तो इनको ये फैसिलिटी जो है मिलनी बहुत ज़रूरी थी। तो आज हमने जो है इनका जो है पास किया हाउस FC से, और बाकी जो है जितने भी हमने एस्टिमेट पास किए साधारण बैठक में होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।